सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ सवर्ण सिंह टैणा। तुम देख रहे हो अजीत वैब टीवी ते हर हफ्ते की तरह ही प्रोग्राम मनोरंजक दुनिया लैके हाजिर हाँ। बहुत सारिया बॉलीवुड ते पॉलीवुड दी खबरां इहो जिहियां जिहड़ियां कि तुहाडे नाल साझियां करांगे कुछ समय के विच। अक्सर असी इस प्रोग्राम नू इनडोर करते हैं, यानी कि स्टूडियो दे विच करते हैं। अज थोड़ा जिहा खेतां दे विच हरियाली दे विच बाहर निकल के इस प्रोग्राम की साझ पा रहे हैं। जदों असी इस वक्त चोणां दे प्रोसैस दे विचों चोणां दे दौर दे विचों मौसम दे विचों गुजर रहे हैं, तो बहुत सारिया गल्लां इहो जिहियां जिहड़ियां कि सब दा ध्यान अपने वल खिचदियां। पंजाब दे कलाकारां दा एक हिस्सा इस वक्त राजनीतिक उडारियां ला रहा, पहलां भी लाउंदा रहा, कई उहदे विचों सफल होए आ, कुछ कु उहदे विच कामयाब होए आ, बाकियां दी झोली दे विच असफलता पई है। ऐतकी कई कलाकार ने मैदान दे विच, सतविंदर बिट्टी ने पिछली बार 2017 दे विच सानेवाल दी सीट तो कांग्रेस दे वल्लों चोण लड़ी सी पर उह हार गए सी। ऐतकी उहनां दी झोली दे विच टिकट पैंदी आ कि नहीं पैंदी, इह वक्त बयान करूगा। हालांकि जिहड़ी 86 उम्मीदवारां दी पहली सूची जारी कीती गई आ कांग्रेस दे वल्लों, उहदे विच उहनां दा जिक्र नहीं आया, उहदे विच उहनां दा नां नहीं आया। दूजी गल यह करनी बनती है कि ऐतकी बलकार सिद्धू ने जिहड़े उह आम आदमी पार्टी दे वल्लों चोण लड़ रहे आ, रामपुरा फूल तो उहनां नूं टिकट मिली हुई है। तीजी गल यह है कि जिस तरीके दे नाल अनमोल गगनमान दे वल्लों राजनीति दे विच नितरिया गया, वह भी इस वक्त आपां जाणदे आ कि किस्मत अजमाई कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने उन्होंने भी टिकट दिती हुई है। किहड़े कलाकार की झोली में जित पैंदी है, किहड़े कलाकार की झोली दे विच निराशा पैंदी है, यह समा बयान करूगा। हल्के दे लोकां ने इस स्थिति नूं आपे बयान कर देना, उन्हां दे उत्ते निर्भर गल है, क्योंकि इस वक्त वोटर भगवान आ ते नेता जिहड़े उह सिर्फ ते सिर्फ हाथ जोड़ के ते वोट मंगण वालियां दे विच आ, उन्हां दे हाथ पल्ले हाल दी घड़ी कुछ नहीं। पर कांग्रेस दे वल्लों जो ऐतकी हुण 86 उम्मीदवारां दी सूची जारी की गई है, इहदे विच सिद्धू मूसेवाला दा नाम चर्चा दे विच इस करके आ क्योंकि आस नहीं सी कि उहनूं टिकट मिल जाणी है। उहदा कारण इह आ कि जसपिंदर सिंह चहल ये हैगे ने इत्थे मानसा दे जिला यूथ आगू, उह प्रधान इस वक्त हैगे मानसा तो, उन्होंने बहुत विरोधता की थी, ते ये भी गल कही कि जेकर सिद्धू मूसेवाला नूं टिकट मिलती है तो असी जितण नहीं देवांगे, असी हराउण दा काम करांगे। पिछे जे उन्होंने हक दे विच इक रैली नूं संबोधन किया सी बिरेंद्र सिंह ढिल्लों ने, जिहड़े कि पंजाब दे यूथ कांग्रेस दे प्रधान हैगे आ, उन्होंने भी यह गल कही सी कि जिन्हां दा हक बनदा हाईकमान उन्हां नूं टिकट देवे, नहीं तां नतीजे चंगे तो उल्ट भुगतने पै सकदे आ। ते सिद्धू मूसेवाला नूं टिकट मिल गई आ, उन्हें कहा सी कि जेकर मेरी विरोधता इवें जारी रही तां फिर मैं आज़ाद भी चोण लड़ सकदा। कि सिद्धू मूसेवाला जितने दे विच कामयाब हो, कि उन्हें अपनी गायकी नूं दा दे उत्ते नहीं ला लिया, क्योंकि लोगों का एक हिस्सा यह गल कहना कि मन लो कि वह जित जाता तो फिर भी गायकी दा दे उत्ते, तो मन लो हार जाता तो तभी गल नहीं बननेगी। सो एक कलाकार जिनी देर तक राजनीति विच नहीं आता वह सभना वर्गों का साझा हुंदा, पर अज तक जिन्हें भी कलाकार ने वो राजनीति दे विच आए आ, भावें जिते आ भावें हारे आ, बाद दे विच उन्हां दा गायकी खेतर दे विच नां खत्म हो गया जां घट गया, उन्हां दी खिच खत्म हो गई, उन्हां नूं प्रोग्राम नहीं मिलदे, ते कलाकार दे कोले प्रोग्राम ही इकलौता साधन हुंदा कमाई दा। दूजी गल इह है कि हर कोई चाहुंदा कि मैं जी वध तों वध इस वक्त लोकां दे विच विचरां, हर किसी नूं पहला टिकट लैण दा चाह हुंदा ते बाद दे विच चाह हुंदा कि मैं जित वी जावां, पर इह लोकां दे उत्ते निर्भर करदी गल है कि जित झोली दे विच पाउणी आ जां फिर नहीं। इस तों अगली गल जेकर करदे आ तां मोगा विधान सभा हलके दी है, सोनू सूद दा नाम आपां जाणदे हां कि बॉलीवुड दे विच बहुत वड्डा, सोनू सूद दे वल्लों लॉकडाउन दे विच लोकां लई बहुत चंगे काम भी कीते गए आ, धन्नवाद करना बनता, उहदी सिफत करनी बनती है। पर सोनू सूद की भैण मालविका सूद नूं टिकट मिली आ इस वक्त मोगा तो, ते इथों टिकट कट्टी गई आ डॉक्टर हरजोत कमल दी, जिहड़े कि वर्तमान समें दे विच कांग्रेस दे विधायक, ते हुण उह अक के चले गए आ बीजेपी दे वल। उहनां ने कहा जी कि मेरी जदों कदरी नहीं तो फिर मैं इत्थे रह के करना की आ। हुण सोनू सूद ने अपनी भैण दे मुतलक इक स्टैंड लिया, उन्होंने पहला पार्टी नूं ज्वाइन करवाउण तों लैके टिकट दवाउण दे विच बहुत वड्डा योगदान पाया, पर हुण वख-वख पासिओं इस गल दी चर्चा छिड़पी कि कलाकार दीआं जड़ां तां उत्ते ही पईआं हुंदीआं जिवें रेत दे उत्ते महल पाया होवे। पता कोई नहीं भी केंद्र दी सरकार ईडी मगर ला देवे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मगर ला देवे, कुछ होर ला देवे। तो उन्हें यह गल कही है जी कि मैनूं आस है कि बीजेपी मेरे नाल कुछ इहो जिहा नहीं करेगी, ये मेरी भैण का फैसला मालविका सूद का कि मैं कांग्रेस वाले जाना जां किहड़ी पार्टी वाले जाना, मेरा इहदे विच कोई भी योगदान नहीं। उन्हें अपने आप नूं इस पासे कर लिया, वह कहना जी कि ना मैं प्रचार करांगा किसी भी पार्टी का, ना मैं अपनी भैण के प्रचार के मोगे दे विच जाना, मेरा काम अदाकारी आ, मेरा काम समाज सेवा, मैं इस तों बिना होर कुछ नहीं करना। यानी कि सोनू सूद होरी भी जाणदे आ कि चंगे काम करन दे बावजूद, लोक सेवा करन दे बावजूद, जदों असी राजनीति दे विच पै जांदे आ तां फिर चारे पासे घेरा पैंदा, ते पैना कुदरती भी है ते पऊगा भी, ये भी गल सच्ची है। क्योंकि इस वक्त केंद्र दी सरकार दे कोले बहुत सारे तरीके आ,
बहुत सारे हरबे हैं। मैनू कली कली गल चेते है जदों आमिर खान ने गल कही सी कि कदे कदे मेरे बच्चे कहने जी कि इत्थे सानू डर जा लगता भारत दे विच आपां कितें होर चले जाईए तां अगलियां फिल्मां दे विच दिक्कत आई सी। एक बार यही गल है जिहड़ी उह शाहरुख खान नाल भी संबंधित सामने आई, सो उदों बहुत वड्डा विवाद पैदा होया कि भारत दे विच रह के जेकर तुहानूं खतरा लगता इत्थे रहिण दा फिर तुसीं करदे की आ। किसी ने कहा पाकिस्तान चले जाओ, किसी ने कहा अफगानिस्तान चले जाओ। ये तो फिर भी राजनीतिक पार्टी नूं सीधे तौर दे उत्ते ज्वाइन करन जां करवाउण नाल जुड़ी हुई गल है। सो सोनू सूद आउंदे समय दे विच किवें विचरनगे इहदे वल सब दा ध्यान टिक्या रहना। अफसाना खान दा पंजाबी गायकी दे विच चंगा नाम बणिया, थोड़े कु समय दे विच आपां जाणदे हां, पर अफसाना खान दा मंगेतर जिहड़ा साज़ आ उहदे नाल संबंधित इक विवाद पिछले दिनी सामने आया। तो उहदे मंगेतर दे नाल जिहड़ी कुड़ी व्याही सी उहदा नाम है अनुग्रह, वो छत्तीसगढ़ की रहने वाली। उन्हें पिछले दिन मोहाली की एक अदालत दे विच पटीशन दायर की आ, उन्हें अर्जी दी आ ते ये गल कही है कि मेरे नाल धोखा होया। उस कुड़ी ने यह गल कही है कि 2014 दे विच इसे सास दे नाल मेरा विआह होया सी, साडे एक लड़की भी है, साडे एक कुड़ी भी है। मेरे नाल बदसलूकी की गई, मैनू कुट्टिया मारिया जांदा सी, जां मेरे कोल दाज मंगिया जांदा सी, जां कोई भी होर कारण सी, ते इस करके जी मैं इहनू छड्ड के चली गई जां मैनू घरों कढ दित्ता गया। पर हुण मैनू पता लगा जी कि इह तां अफसाना खान नाल विआह करवाउण लगा, तो मैनूं इह वी पता लगा जी कि मेरे कोलों इहने तलाक लै लिया। उस कुड़ी ने गल कही है जी कि मैनूं तां पता ही नहीं मेरे कोलों तलाक लै लिया, ना मैनूं कदे समन मिले आ, ना मेरी कदे कोई तरीक पई आ। गलत एड्रैस दे के ही समनिंग हुंदी रही, उहनां समणां दे मुताबक मैं पहुँच नहीं सकी, जिहदे करके एक्स पार्टी तलाक हो गया। इस करके इस तलाक नूं तोड़िया जावे ते इहदा अगे विआह ना होण दित्ता जावे, इस तरीके की उहदे वल्लों मंग की गई है। सो इस मामले के उत्ते हुण माणयोग अदालत दे वल्लों की फैसला किया जाता ये तो समा बयान करेगा, पर एक बार ये खबर इस करके वड्डी हुई है क्योंकि अफसाना खान दे नाल जुड़ी हुई है। वो कुड़ी जिहड़ी कि पिछले कुछ समय तो विवादां दे विच भी रही है ते चर्चा दे विच भी रही है, हुण इस मामले च नवा कूणी मोड़ की आउंदा ये समा बयान करेगा। तो जेकर असीं गल करदे आ इस वक्त पंजाबी फिल्मों की, जनवरी महीने दे विच कई पंजाबी फिल्मां रिलीज़ होनियां सी, तकरीबन 7-8। ये सारियां फिल्मां जिहड़ियां वो अगे पा दित्तियां गईयां। तुहानूं चेते होना कि लगभग 1.5 वर्ष पहला गिप्पी गरेवाल की हंबल प्रोडक्शन की एक फिल्म रिलीज़ होनी सी पोस्टी, उदों करोना सिखर के उत्ते सी, इस करके अगे पा दित्ती गई। हुण ये इस जनवरी महीने दे विच रिलीज़ होनी सी, हुण इहनूं फिर अगे पाउणा पै गया क्योंकि भारत दे विच करोना दे केस लगातार वध रहे आ, पंजाब दे विच भी लगातार वध रहे आ, इस करके इस फिल्म नूं बाकी फिल्मों के वांगू अगे पाउणा पिया। इस वक्त पंजाब दे विच 50% कपैसिटी दे नाल आपां जाणदे कि सिनेमा हाल खुलदे आ, जे एक सिनेमा हाल च 300 सीट आ ते उत्थे 150 भरदी है ते लोकां दे मनां दे विच जेकर इस गल दा डर होवे भी पता नहीं की बणूगा तां फिर उत्थे जाणा की नहीं आ, इह वी आपां समझ सकदे आ। सो आउंदे दिनां दे विच इह वक्त दसूगा कि की पंजाबी फिल्मां नूं फिर ट्रैक दे उत्ते आउण दा मौका मिलदा, की पंजाबी फिल्मां पहलां वांग रिलीज़ हुंदियां। कल्लियां पंजाबी नहीं, हिंदी फिल्मों के उत्ते भी एक बार ब्रेक जी लग गई है क्योंकि कोई निर्माता निर्देशक नहीं चाहता कि मैं 10 करोड़ लाया, 20 करोड़ लाया, 50 करोड़ लाया फिल्म के उत्ते, तो वह हुण सिनेमे दे विच जाण तो पहले ही कई तरह दीआं पाबंदियां झले कि दर्शक जा नहीं सकणगे, करोना करके आह दिक्कत पैगी जां आह दिक्कत पैगी। इस करके पंजाबी फिल्मां ट्रैक ते चढ़दियां चढ़दियां एक बार फिर रुक गईयां ते इह आउंदे समय दे विच रुकियां रहणगियां जां अगे वधणगियां इह समां दसूगा। तो जाते जाते जेकर असीं गल करिए पंजाबी गीतां दी, इस वक्त विआह शादियां दे सीज़न चल रहे आ, कुछ कु पाबंदियां नाल भावें चल रहे आ, पर फिर भी कलाकार आपदे प्रोग्रामां दे विच मसरूफ आ। बहुत सारे कलाकार दसदे आ कि साडे अज भी प्रोग्राम बुक आ, साडा कल भी बुक आ, साडा परसों भी बुक आ। सो कलाकारां नूं लंबे समय बाद इह सोका मुकाउण दा मौका मिलिया जिहड़ा कि आपां जाणदे आ पिछले काफ़ी लंबे समय तो इस करके सी करोना दी महामारी दे करके। आउंदे दिनां दे विच पंजाबी कलाकार किहड़े पासे दीआं उडारियां मारदे आ ये वक्त बयान करूंगा, पर फिलहाल सब नूं इसे गल दा ही चेता ते चिंता साडे हल्के दा की बनूगा, फलाने हल्के च कौन जितूगा, किहदी सरकार बनूगी, किहड़ा हार जूगा, किहदी जमानत जब्त होगी, किहदा किहदे नाल मुकाबला होना, बहुमत किसे नूं मिलूगा कि नहीं, की इतकी लंगड़ी सरकार बनूगी, सब थावां दे उत्ते गल्लां इही हुंदियां। कला खेत्र वल्लों ध्यान थोड़ा जिहा घटिया, ये 14 फरवरी तक इवें जारी रहना जिन्ना चिर वोटां नहीं पैंदियां। सो फिलहाल इन्नी जानकारी, नवीं खबरां लै के कुछ होर जानकारियां लै के अगले हफ्ते फिर हाजिर होवांगे मनोरंजक दुनिया प्रोग्राम के तहत। उदों तक लई आग्या दिओ, बहुत बहुत मेहरबानी। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म के उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक के उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो
साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी, यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज, पंजाब दी आवाज अजीत।